ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है ई 95 पेंशन धारक जो कि जंतर मंतर पर पिछले छह दिनों से आंदोलन कर रहे थे उन्हें जो है आखिरकार पुलिस ने यहां पर अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने जो है उन्हें जंतर मंतर से उठा लिया है नमस्कार दोस्तों इम्प्लाई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है ई पी नाइन्टी पेंशन धारकों की ओर से अपनी न्यूनतम पेंशन को एक से बढ़ाकर सात किए जाने उसे महंगाई भत्ते से जोड़े जाने और सभी वृद्ध पेंशन धारकों को मुफ्त मेडिकल सुविधा यहां पर मिले इसके लिए 7 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन यहां पर किया गया था वहां से जो है संसद की ओर कुछ भी किया गया था इसके बाद जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे नहीं मानी गई तो जंतर-मंतर पर क्रमिक अनशन पर ईपीएस 95 पेंशन धारक बैठ गए और घोषणा की कि यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक इस आंदोलन को चलाया जाएगा लेकिन आज छठवें दिन ही ई पी एस पेंशन धारकों को जंतर मंत्र से उठाने का काम पर पुलिस पुलिस प्रशासन प्रशासन ने ने किया है जंतर से पेंशन धारकों को उठाकर बस में भर कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया है अब इन ई पी एस पेंशन धारकों को कहा ले जाकर छोड़ा गया है क्या कल पुनः ईपीएस नाइन्टी फाइव पेंशन धारकों को जंतर मंत्र पर आने दिया जाएगा क्या ईपीएस नाइन्टी फाइव पेंशन धारक कल पुनः अपने आंदोलन को सुचारू रूप से चला पाएंगे ये सब सवाल अभी जो है फिलहाल बने हुए हैं आप जंतर मंतर पर जब पुलिस प्रशासन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बस में बिठा कर ले जा रही थी उस समय ईपीएस 95 पेंशन धारक जिस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके कुछ वीडियोज यहाँ पर देख सकते हैं तो कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशनधारक कमांडर अशोक रावत एन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे उस पर अब पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है पुलिस प्रशासन ने ईपीएस नाइन्टी पेंशनधारकों पेंशन धारकों को आंदोलन करने से रोका है वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे भी अभी जो है पुरजोर पकड़ने लगी थी ईपीएस 95 पेंशन की मांगों को लेकर वर्तमान में चल रहे शीतकालीन सत्र में दो सांसदों की ओर से ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा सदन के पटल पर भी रखा गया था वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने सांसद हेमा मालिनी सुप्रिया सूले श्रम मंत्रालय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की थी और उन्होंने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आंदोलन अभी नहीं करने और इस पर जो है तत्काल कार्यवाही करने के आश्वासन दिए थे लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने यह साफ किया था कि अब जो है हम किसी आश्वासन के बहकावे में नहीं आएंगे क्योंकि पिछले सात सालों से ईपीएस नाइन्टी पेंशन धारकों के साथ ऐसा ही हो रहा है बार बार जो है जब वह आंदोलन करने जाते हैं उन्हें एक आश्वासन देकर घर वापस भेज दिया जाता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है पेंशन में वृद्धि नहीं होती है इसीलिए ई पी एस पेंशन धारकों की ओर से एक व्यापक योजना यहाँ पर बनाई गई थी जिसमें जो है जंतर मंत्र पर ई पी एस पेंशन धारक आंदोलन कर रहे थे और एक एक दिन एक एक राज्य के पेंसनधारक वहाँ पहुँच कर अपने आंदोलन को क्रमिक अनशन का रूप देकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आज छठवें दिन ही ई पी एस पेंशन धारकों के इस आंदोलन में पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप किया है और पुलिस प्रशासन ने ईपीएस 95 पेंशन पेंशनधारकों को जंतर मंतर पर आंदोलन करने से रोका है अब इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अलग अलग बसों में भरकर किसी ठिकाने पर छोड़ा जाएगा अब कौन से ठिकाने पर छोड़ा जाएगा क्या कल फिर से ईपीएस 95 फाइव पेंशन धारक आंदोलन कर पाएंगे या नहीं कमांडर अशोक रावत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है इसकी जो है अभी जानकारियां आना बाकी है जैसे ही जानकारी हमारे तक आएगी हम आपको जो है अपडेट देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिलहाल ईपीएस नाइन्टी पेंशन से जुड़ी यही अपडेट निकल कर आ रही थी ये वीडियो ये जानकारी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अपडेट आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर मिल जाए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लीजिए हिंद वंदे मातरम